गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू योर ऑन चैनल AS इंग्लिश ग्रामर क्लासेज। जैसा कि हमने राजस्थान हाई कोर्ट LDC के इंग्लिश सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए एक सीरीज शुरू कर रखी है और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ रहे हैं करेक्शन ऑफ सेंटेंस, या फिर मैं ये कहूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फोर्थ वीडियो है। इससे पहले हमने 3 वीडियो बना दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे तो उन्हें प्लीज़ देखिएगा ताकि अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। अगला रूल है एक्ट नंबर, जब प्लूरल नाउन संपूर्ण एज ए होल का बोध कराए तो वहां पे हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी चाहिए। भी कोई प्लूरल नाउन है, प्लूरल कोई सब्जेक्ट है, संज्ञा है, और वो एक यूनिट के रूप में बोध हो या एक इकाई के रूप में उसका यूज हुआ हो, या फिर मैं ये कहूँ कि कोई सब्जेक्ट हो और निश्चित दूरी, निश्चित समय, निश्चित मात्रा, निश्चित रकम अमाउंट, निश्चित वजन वेट, संख्या का बोध न करके और एक इकाई के रूप में बोध हुआ हो, तो वहां प्लूरल सब्जेक्ट होने पर भी सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। निश्चित कोई डिस्टेंस है, टाइम है, अमाउंट है, मास है, वेट है, ये संख्या का बोध न करके एक इकाई के रूप में यूज हुई हो, तब हमें सिंगुलर वर्ब यूज करने चाहिए। तो इसकी एग्जांपल है 10,000 रुपीज अ बिग अमाउंट, 10,000 रुपए एक बड़ी अमाउंट है। तो एज ए यूनिट यूज हुआ है, एज ए होल यूज हुआ है, तो इसमें हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। ये लो, 10,000 रुपए एक बड़ी राशि है। 50 माइल्स नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, 50 मील चलने के लिए ज्यादा लंबी दूरी नहीं है। तो देखो, एक तो ये पैटर्न ए बिग ए लॉन्ग, ये भी एक यूनिट का इशारा कर रही है कि एक यूनिट के रूप में बोध किया जा रहा है। तो यहाँ भी इज एमआर में से यूज करना है। तो 50 माइल्स देखने से क्या है, ये प्लूरल है, बिल्कुल प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है या प्लूरल नाउन कह सकते हैं। 10,000 है, ये भी प्लूरल है, लेकिन ये ए लॉन्ग इससे पता लग रहा है ए बिग कि ये एज ए होल यूज हो रहा है, या फिर मैं ये कहूँ कि ये एक इकाई के रूप में यूज हो रहा है, तो हमें यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी चाहिए। ठीक है, तो 50 माइल्स बहुवचन सब्जेक्ट है, फिर भी हम यहाँ पे इज यूज करेंगे। 50 मील चलने के लिए लंबी दूरी नहीं है। 10 ईयर्स 10 वर्ष ए लॉन्ग पीरियड एक लंबा पीरियड है, 10 वर्ष एक लंबी अवधि है। तो यहाँ भी देखो ए लॉन्ग पीरियड, यहाँ भी एक यूनिट एज ए होल मीनिंग प्रकट हो रहा है। तो इज एम आर में से हम यहाँ पे इज ही यूज करेंगे। 10 ईयर्स ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है, फिर भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है। ठीक है, ये तो एज ए यूनिट एज ए होल होने पे हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, लेकिन सेपरेट यूनिट का बोध हो, अलग अलग इकाइयों के रूप में जब बोध हो, एज ए होल ना होकर के अलग अलग अर्थ में यूज हो रहा हो, तो वहां पे हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब। एग्जांपल देखिए, 50,000 रुपीज स्पेंट ऑन द प्रोग्राम, 50,000 रुपए प्रोग्राम पर खर्च किए गए। अब यहाँ पे देखो ए लॉन्ग एलोंग ए बिग इसमें कहीं नहीं है, तो हमें पता लग गया कि ये एज ए होल प्रयोग नहीं हो रहा है, एक यूनिट के रूप में इसका यूज नहीं हो रहा है, ये अलग अलग यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे बोझ ओवर में से हम वन यूज करेंगे। ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, 30 किलोमीटर से येट टू बी कवर्ड, अब तक 30 किलोमीटर कवर कर लिया गया है, तो ये प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे एक यूनिट का या एज ए होल कोई भी यहाँ पे संकेत नहीं मिल रहा है, इसलिए ये प्लूरल है, आर यूज करेंगे। तो आपको पहचान बता दी मैंने, ए लॉन्ग ए बिग ये आ जाए तो एज ए होल यूज होता है, एक यूनिट के रूप में इसका प्रयोग होता है, और यदि ये नहीं आती है तो सेपरेट यूनिट के रूप में इसका यूज होता है, तब हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल है अपना, कुछ नाउन प्लूरल फॉर्म में होती हैं लेकिन वो सिंगुलर मीनिंग देती हैं। नाउन प्लूरल फॉर्म
बट यूज सिंगुलर मीनिंग्स। कुछ नाउन प्लुरल फॉर्म में होती है, बहुवचन रूप में होती है, लेकिन वो मीनिंग है ना सिंगुलर का देते हैं, इसलिए उसके साथ सिंगुलर की ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। तो ऐसे वर्ड ये हैं, एंस का मतलब वीक होता है, असेट संपत्ति, बिलियर्ड्स खेल का नाम है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, पॉलिटिक्स राजनीति, इनिंग्स पारी, फिजिक्स मैथमेटिक्स गणित, न्यूज वेजेज न्यूज समाचार, वेजेज मजदूरी, ब्रीच रिमेन्स रिजेज, क्रेडेंशियल मम्स मिजल्स, ये दो बीमारी है, डार्ट्स ये गेम का नाम है, सभी के अंत में एस लगा है, इसलिए ये प्लुरल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन होते क्या है, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। बिलियर्ड्स और डार्ट्स दोनों ही गेम का नाम है, बिलियर्ड डार्ट्स अ गुड गेम, एक अच्छा खेल है। तो इज और आर में से यूज करना है तुमको, ठीक है, एस लगने से बहुवचन नहीं है, ये खेल का नाम है, इसलिए यहाँ पे इज यूज करेंगे, ठीक है। और फिर मैंने आपको ये पहचान भी बताई थी कि खालिस्तान के बाद में यदि ए और एन आर्टिकल आ जाता है तो वहां पे हमें सिंगुलर वर्ब ही यूज करने चाहिए। नेक्स्ट है द न्यूज नॉट ट्रू, ये समाचार सच नहीं है या ये समाचार सच नहीं था, तो ये न्यूज है, इसको सिंगुलर मानते हैं और इसलिए वो जो वर्ब में से क्या यूज करेंगे, फॉल्स, ये लो, ठीक है, ये देखो ये न्यूज यहाँ पे है। पॉलिटिक्स ए माइंड गेम, राजनीति एक दिमाग का खेल है, तो ये यहाँ पे ए आ गया, और पॉलिटिक्स भी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इज यूज करेंगे। मिजल्स ए डेंजरस डिजीज, मिजल एक खतरनाक बीमारी है, मिजल्स मिस होता है खसरा, खसरा एक खतरनाक बीमारी है, तो इसमें सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज। हाँ तो डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट रूल है अपना, कुछ प्लुरल नाउन होती हैं, देखने में भी वो क्या है, प्लुरल दिखाई देती है, बहुवचन की दिखाई देती है, और उनके साथ बहुवचन की ही हेल्पिंग वर्ब आती है, जैसे ये है बाइनोकुलर्स दूरबीन होती है, गोगल चश्मा शौकीन वाला, स्पेक्टल्स नजर वाला चश्मा होता है, पैंट से शॉर्ट्स जींस, प्लायर्स प्लास होता है जो घर में काम लेते हैं अपन, टेंस चिमटा होता है, ये क्लिपर्स है जिसका मतलब होता है कैंची बाल काटने वाली, और ये है सीजर, ये कपड़े काटने की कैंची होती है, कैंची में भी फर्क है, ठीक है, ये बाल काटने की कैंची है क्लिपर्स, और ये कपड़े काटने की कैंची है जिसको बोलते हैं सीजर्स, और ये है शेयर्स, ये मूंछ काटने की कैंची है, शेयर्स संपत्ति वैसे मजदूरी, ये वर्ड है, ये देखने में भी प्लुरल है और इनके साथ एक प्लुरल ही वर्ब आती है, लेकिन फर्स्ट जो सेंटेंस है ये अपवाद है, ठीक है, ये अपवाद है, देख लेते हैं एक बार। वेजेस ऑफ सीन डेथ, ये एज यूनिट यूज हुआ है, पहला सेंटेंस अपवाद इसलिए है कि पाप का फल, वेजेस में से यहाँ पे फल अर्थ निकल रहा है, है? मजदूरी नहीं निकल रहा है, मजदूरी निकलता है तो यहाँ पे प्लुरल यूज करते, यहाँ पे है ना सीन मीन्स पाप होता है, पाप का फल मृत्यु होती है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इज यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है माई वेजेज लो सो आई हैव प्रॉब्लम टू सर्वाइव, मेरी मजदूरी बहुत कम है, मेरे पास सर्वाइव करने के लिए प्रॉब्लम्स है, तो इसमें हम इज और आर में से क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। माई गोगल्स स्पेक्टल्स, ये गोगल्स हैं स्पेक्टल्स है, इसमें आर यूज करेंगे क्योंकि ये प्लुरल फॉर्म है, प्लुरल सब्जेक्ट होते हैं, मेरी चश्मा कीमती है, सीजर्स लाइंग ऑन द टेबल, कैंची मेज पर पड़ी हुई है या रखी है, तो यहाँ पे भी आर यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक से बता देता हूं, ऐसी नाउन जिसके दो पार्ट हो, ऐसी नाउन जिसके दो पार्ट्स हों वो प्लुरल फॉर्म में होती है और उसके साथ प्लुरल ही हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिएगा बाइनोकुलर से है, इसके दो पार्ट होते हैं देखने के लिए, दूरबीन, गोगल से है, दोनों आंखों के सामने पहना जाता है, दोनों आंखों पे लगाया जाता है, इसी प्रकार से ये स्पेक्टल्स है, पेंट्स है, पेंट के दो टांगे बनी हुई होती है, इसी प्रकार से शॉर्ट्स है, जींस है, प्लायर्स
क्लास है इसके भी दो पार्ट होते हैं, टेंस के दो पार्ट होते हैं, क्लिपर से, सीजर से, सेयर से। इन सभी नाउन के दो दो पार्ट होते हैं, इसलिए भी ये बहुवचन माने जाते हैं। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप कभी नहीं बोलेंगे। जिस नाउन के दो पार्ट होते हैं वो प्लूरल होती है और उसके साथ प्लूरल ही वर्ब यूज की जाती है। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल है, फॉलोइंग वर्ड्स सीम्स टू बी सिंगुलर। नीचे दिए गए वर्ड्स सिंगुलर प्रतीत होते हैं, बट दे आर प्लूरल इन मीनिंग, लेकिन ये बहुवचन मीनिंग देते हैं। देखने में ये सिंगुलर दिखाई देते हैं लेकिन बहुवचन वाला मीनिंग देते हैं। पीपल मीन्स लोग, पुलिस आर्मी, फौज पोल्ट्री मुर्गी पालन, जेंट्री सज्जन लोगों का समूह है, कैटल मवेशी पशुओं का समूह है, आर्टली तोपखाना होता है, क्लर्जी पादरियों का समूह होता है, स्वाइन सुअर होता है, और कैवलरी घोड़ों की सेना या बख्तरबंद गाड़ी ये होते हैं। ये कुछ वर्ड हैं, ये हमेशा प्लूरल ही होते हैं, इनको कभी भी एकवचन मानने की गलती मत करना। एग्जाम्पल है, कैटल ग्रेजिंग पशु चर रहे हैं, तो इसलिए आएगा क्या आएगा, आर, क्योंकि कैटल तो प्लूरल है। नॉट लेस देन अ डजन इंजर्ड, नॉट लेस कम नहीं है, देन अ डजन एक दर्जन की बजाय, एक दर्जन की बजाय कम घायल नहीं हुई, एक दर्जन से कम घायल नहीं हुए थे। तो यहां पे भी क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। एक दर्जन से भी कम घायल नहीं हुए थे, मतलब एक दर्जन के लगभग घायल हुए थे। पुलिस क्रिमिनल्स अरेस्ट और अरेस्ट, एक में एस लगा रखा है, एस का मतलब होता है सिंगुलर वाला और ये है प्लूरल का। तो पुलिस तो पहले से ही क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, तो यहां हम क्या करेंगे, अरेस्ट। पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करती है। ये पुलिस वर्ड जो है प्लूरल मीनिंग है, बहुवचन का मीनिंग होता है। और यदि हम लिख दें पुलिस मैन, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, पुलिस मैन आ जाए तो। और यदि पुलिस मैन का प्लूरल कर दे तब ये बहुवचन बन जाएगा, तब ये क्या है, प्लूरल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो अकेला पुलिस आ जाए, एक ये पुलिस आ जाए, ये प्लूरल होते हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ और नए रूल पढ़े और इनके एग्जाम्पल देखे। और फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर इस समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।